जगह जगह वाइन शॉप को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन को कवर करने का दायित्व पत्रकारों का है जो पत्रकार निभा रहे हैं। लेकिन अब पत्रकारों को भी टारगेट जो है वो किया जा रहा है। इस समय मैं आपको बताऊं, मैं तालाब तिल्लो में हूं। यहां पर पीछे आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये सामने बुजुर्ग महिलाएं जो हैं यहां पर बैठी हुई हैं, वाइन शॉप नहीं खुलने देने का विरोध कर रही हैं। लेकिन यहां पर हमारे एक सहयोगी पत्रकार थे, सोशल मीडिया पर वो कवरेज कर रहे थे, तो उनके साथ यहाँ पर या मारपीट करने का कोई मामला सामने आया है। लेकिन ये पुलिस वाले इस तरफ देखें, ये सामने हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, वहाँ सामने देखें, ये देखें, ये कॉलर खोल के खड़े हैं। लेकिन इनके होते हुए भी यहाँ पर मारपीट जो है वो चल रही है। कोई दायित्व है, कोई है को सुनवाई करने वाला? यहाँ पर पास में ही स्कूल भी, सुनने को स्कूल भी आ रहा है, और जब लोग विरोध कर रहे हैं तो क्यों खुलवानी है? किसी नाले में खुलवाओ, अगर वहाँ नहीं खुलवा सकते हो तो आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में लोगों को भेजो, ये जो नशा कर रहे हैं छुड़वाओ। वो नहीं करेंगे, नशा करवाओ, छोड़ो मत इनको। ये हमारे पत्रकार विकास जी, अच्छा हुआ क्या आपके साथ? दीपक जी, होना क्या, पिछले कुछ समय से आप और हम सभी हर एक मोहल्ले में जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ लोग वाइन शॉप का विरोध कर रहे हैं वहाँ हम कवर कर रहे हैं। कवर करने का मकसद क्या, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं कि ये इस मोहल्ले में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वही था आज जहाँ पहुँचा, जब महिलाएं, माताएं, बहनें देखी यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, बुज़ुर्ग देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ये दिखाएं बुज़ुर्ग, जब इस तरह के बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे थे, वो भी यहाँ खड़े थे, तो जब इस तरह के लोग, ये पुलिस वाले थे यहाँ पर, इस तरह के लोग यहाँ पर होंगे, हम ये पूछ रहे हैं ये पुलिस वाले थे? पुलिस वाले शायद पीछे थे, अभी गाड़ी आके यहाँ लगी है तब पुलिस वाले यहाँ नहीं थे। लेकिन विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस वाले नहीं थे यहाँ? पुलिस वाले साइड पे खड़े थे, वो यहाँ पे नहीं थे। मैं इनकी बाइट करता हूँ, और जो हमारा दायित्व है दीपक जी, वो दायित्व निभाते हुए मैंने कहा, एक पक्ष तो मैंने जान लिया, अब दूसरा पक्ष है जो शॉप के ऑनर है वो कौन है, चलिए उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि ये दुकान है, ये वाइन शॉप है, और जाहिर सी बात, आज जैसे आज टर्न है वाइन शॉप खोलने की, तो यहाँ ऑनर भी थे, और उनके साथ कोई, मैं ये नहीं पता उनके लीगल एडवाइज एडवोकेट थे, या फिर उनका कोई फ्रेंड था, या फिर उनका कोई गुंडा था, मैं गुंडा भी कहूँगा, या फिर उनका कोई गुंडा था। मैंने कहा मैं बाइट करूँगा, तो वो आके कॉलर पकड़ के कहते हैं, हाँ किसकी बाइट करनी है, क्या करना है अब ये? अच्छा, यहाँ तक हिम्मत है, कॉलर पकड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर चश्मदीद हैं, काफ़ी लोग हैं, महिलाएं हैं जो सामने देख रही थी, माता बहनें सामने देख रही थी, इन सभी के सामने वो वाक्य हुआ है। दीपक जी, अब ये बताइए आप मीडिया को क्या क्या कर दो, इसे रोकोगे क्या? मैं आपको बताऊं, हम दुकानदारों को गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा खर्चा आपने, जाके आप एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर को पकड़ें, डीसी से बात करें, जाकर उनसे बोलें कि ये लोग नहीं खुलने दे रहे, हमें लोकेशन दी जाए, हमें जगह दी जाए, हम कहाँ खोलें, तो आप पत्रकारों के साथ बदतमीजी करेंगे? अच्छा, फिर मतलब दीपक जी, अब ये हो गया, अगर हम किसी, अगर कहीं गली में गंद है, नाली की सफाई नहीं हो रही है, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, तो हम पहले कॉर्पोरेटर से जाके परमिशन लें कि हम कवर करें क्या इस तरह? लेकिन हाँ, यहाँ सबसे अच्छी बात, जो यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं वो साथ हैं, हर समय साथ हैं, और इन लोगों का दिन रात साथ दे रहे हैं, और स्थानीय कॉर्पोरेटर यहाँ पर ही तब नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब इनको पता चला ये भी पहुँच गए। लेकिन अब क्या, जो चीज़ हमें जिसके खिलाफ दिखानी है पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या हम दिखा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये तो ये बड़ी समस्या है। ये तो वो हो गया ना कि आप पहले मीडिया को डराओगे, धमकाओगे, ताकि सच्चाई मीडिया जो है वो सभी के सामने ना ला सके। लेकिन हम, मैं एक बात जरूर कहूँगा दीपक जी, चाहे हमें कोई मार ले, सूली पे चढ़ा दे, लेकिन आम लोगों की, आम जन की समस्याएं जो हैं वो हम कवर करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। यहाँ के थानेदार क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं दिलावर जी, उन्होंने कहा है कि आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिएगा, और उसके बाद हम कुछ जो है उसे अरेस्ट करेंगे। तो अब बस कुछ ही देर में कवरेज के बाद हम जाएंगे वहाँ, एप्लीकेशन देंगे, और देखते हैं उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। तो जब जो स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं वो भी हमारे। अच्छा, मैं पार्षद साहब, पहले आप अपना नाम बता दें। मैं संजय बड़ू, वार्ड नंबर 41 का यहाँ का पार्षद। भाजपा से हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, भाजपा से हैं। अच्छा, ये सारा मामला जो है आपके भी संज्ञान में आया? देखिए, ऐसा है कि ये शुक्रवार को यहाँ ये
नई शराब की दुकान खुली थी और यहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने ये दुकान उसी समय बंद करवा दी थी। मैं उस दिन आउट ऑफ स्टेशन था, मुझे शाम को बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ है और ये दूसरा दिन इन्होंने सभी ने तय किया था कि सुबह 10 बजे शनिवार को हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। हम शनिवार को सुबह मैं भी यहाँ आया था, सभी लोग इकट्ठा हुए थे तो हम क्योंकि जिम्मेवार नागरिक हैं तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। उस दिन लॉकडाउन था शनिवार को, तो हमने पूरा प्रयास किया कि हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, वैसा कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन ये संज्ञान में लाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के कि ये यहाँ दुकान खुल रही है, एक तरफ लुथरा पब्लिक स्कूल है और आपने देखा यहाँ मंदिर बिल्कुल साथ में ही है। तो ये सारी बात हमारी जो है जम्मू के तहसीलदार जो हैं कमलप्रीत सिंह जम्मू खास के, ये उनका क्षेत्र पड़ता है, उन्होंने अपने नायब तहसीलदार जो है वो मौके पर भेजे थे। उसके बाद हमें बताया गया था कि ये दुकान को हम रोक लेंगे, अभी नहीं खुलेगी, लेकिन सोमवार को फिर से ये दुकान खोलने का प्रयास हुआ था। परसों फिर सारे लोग इकट्ठा हुए थे और फिर परसों एक यहाँ के सभी स्थानीय लोगों ने एक मेमोरेंडम बनाया था जिसमें लगभग 95 परिवारों ने सिग्नेचर भी किए हैं और इन सब का मानना है कि यहाँ आसपास के किसी भी लोकल से कोई सिग्नेचर NOC के लिए नहीं करवाए गए हैं, कोई पूछा नहीं गया। तो मैं आपके माध्यम से ये जिला प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि ऐसी जो NOC एडमिनिस्ट्रेशन के पास आई हैं उनकी सख्ती से उनका संज्ञान लेना चाहिए और उन लोगों का भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोग जो ऑफिशियल्स ने आके जहाँ पे NOC बनाई है, जब लोगों ने जहाँ लोगों से पूछा ही नहीं गया तो NOC कैसे दी गई। तो हमारा यही मानना है, आज एडिशनल DC जो हमारे जम्मू के हैं सतीश जी, उनसे भी मेरी बात हुई है और अभी उन्होंने बताया है कि हम इसके मालिक को बुला रहे हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं कि ये दुकान यहाँ से शिफ्ट की जाए। आपकी इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा की, भाजपा की भी बात नहीं सुना कि इतनी दादागिरी हो गई है? देखिए ऐसा है, ये जो इशू है, ये जो पॉलिसी आई है, ये हमारे जो LG के अंडर जो इस टाइम UT एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लाई है, भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है और आज भी आप देख रहे हैं कि जब से ये इशू बना है हम लोगों के साथ खड़े हैं और हमारा मानना है कि ये जो पॉलिसी लाई गई है ये आनन फानन में लाई गई है। आनन फानन के यहाँ पर बड़े लीडरों को आना चाहिए, आकर प्रदर्शन करें, लोगों का साथ दें। तो आप कह रहे हैं कि वो UT है, वो कह रहे हैं जी वो भाजपा है जी, ऐसा गोल गोल हो रहा है? ऐसा है, मैं भी प्रदेश स्तर का ऑफिस बेरन हूँ पार्टी का, जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी तक, और हम पूरा इसका संज्ञान ले रहे हैं और हमने पूरी कोशिश की है ये नहीं खुलेगी और नहीं खुलने देंगे। जहाँ तक ये हमारे पत्रकार भाई पे हमला यहाँ पर हुआ है, इसका क्या किया जा रहा है? देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं जब यहाँ पहुँचा मुझे बताया गया कि इनके साथ किसी ने बदतमीजी की है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये हम लोकतंत्र में हैं और ये जो आपका मीडिया है ये हमारा चौथा पिलर है और ये अगर अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और अगर ऐसा हुआ है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, महिलाओं से भी बात करेंगे। अच्छा कौन बात करेगा आप? ये हमारे पत्रकार के साथ यहाँ बदतमीजी कर रहे, देखा आप थे उस समय? हमने देखा है, लेकिन वो ये बोल रहे थे हमारे साथ बात कर रहे थे, इतने में उसने इसको ओए करके बुलाया और पीछे कर दिया। वो था कौन पता नहीं, वो हम जानते नहीं, वो हमने उन्हीं की पार्टी का होगा, हमारा नहीं था, वो हमारा नहीं था, वो उन्हीं के साथ आया था कोई, हमें नहीं पता उसका। तो उसने बोला होगा मैं इसको अपनी साइड करता हूँ, उसने इसके साथ बदतमीजी की, बस फिर उसके बाद तो वो गायब हो गया। अगर खड़ा रहता चलो हम भी उससे कोई बात करते, भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। बाकी देखो हमारा जो मुद्दा है शराब का, दुकान नहीं हमने खोलने देनी, जो मर्जी हो जाए हम रोज बैठेंगे, रोज प्रोटेस्ट करेंगे। मुझे ये जानना है कि आप तो यहाँ पर कितने बजे से प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस कितने बजे आई? पुलिस के लिए आए थे 10 बजे जी, अच्छा ये उनके सामने क्यों है सारा? हाँ सब कुछ पुलिस वाले ने वैसे उसको पीछे किया, उसने मसला खत्म किया थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी गर्म हो गया, इनको भी गुस्सा आ गया, इन्होंने बोला हम इन लोगों के कहने पे आए हैं, अपनी मर्जी से यहाँ कोई नहीं। और आपको भी पता है मीडिया को हाथ लगाना एक बहुत बड़ा जुलम है। मैंने बोला कि हमने बुलाया हुआ है उनको, हमारे बुलाए हुए आए हैं, ऐसे अपने मर्जी से थोड़े आए हैं, वो हमारे बुलाए हुए आए हैं, हमने बुलाया नहीं देखा है। हमने मैंने बोला आओ आप अपना काम करो, मैंने बोला इनको आप अपना काम। अंकल जी अच्छा ये बुजुर्ग अंकल जी क्या नाम है आपका? बैठे 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 रहे हैं आप,
मुझे बताएं नाम अपना, नाम बताएं नाम। नाम आशीष खजूरिया। अच्छा आशीष खजूरिया, ये वाइन शॉपों को लेकर जो विरोध हो रहा है इस पे क्या बोलेंगे आप? मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जो गवर्नमेंट को या ये लोग हैं हो रहा है, आप सबकी प्रॉब्लम जो हमारे लोग हैं आप प्रॉब्लम सुनाते हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, एक गलत काम हो रहा है, यहाँ पर मंदिर है कृष्ण भगवान का, तुम्हारा माता वैष्णो का मंदिर है इधर घर साथ, बीएड कॉलेज है ये साथ ही, मॉल है ये साथ ही, सब लड़कियों का, यहाँ तमाम गरीब बच्चे लोग जो हैं रेडी फार्म खड़ी करते हैं सब्जियाँ, मेला लगा होता है औरतों का रोटी खाने के बजे उनको, और आते हैं या शराब सिर पर पिलाएंगे, क्या बताओ अपने उन बच्चों के लिए कैसे क्या फैसिलिटी हो रही है, भला हो रहा है उनके लिए, कैसे निकलेंगे वो घर से बाहर हैं, ये साथ साथ करना मोहल्ला है, हर दरवाजा देखिए हर बोल, ये बड़ा बाजार हो कोई दूसरी लग जगह हो वहाँ पर खड़ी होनी चाहिए शराब शराब, ये नहीं मोहल्ले के बीच में, यहाँ होते हैं आते हैं वहाँ सब्जी मंडी है वहाँ पर जाकर ये काम चल रहा है, ये हम हर किसी सूरत में नहीं ये काम होने चाहिए, ये अब गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, गुंडागर्दी, ये हमारे पत्रकार को भी यहाँ पर को धक्का मुक्की कर रहे थे, ये पत्रकार को के साथ धक्का मुक्की भी कर रहे थे। हाँ ये आपने देखा? नहीं, ये पत्रकार, हाँ हमारा बहुत शुक्रगुजार करता हूँ उनका, इनका मिलकर जो आ रहे थे, ये हमारी बात सुनते हैं, ये सुन सबको सुनाएगा, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, इन लोगों ने आया मुझे तो पता नहीं, ये आ गया लड़का एक आ गया, इसने सुनाया, मैं धन्यवाद करता हूँ उसका, कैसे शुक्राज कर रहा हूँ, परमात्मा लाख उम्र हो उसकी इनकी, जो गरीबों का सुन रहा है और जो नहीं अफसर है उनको पता चल रहेगा, ठीक है, उन्हीं को पता है उनको भी पता चलेगा ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है, न किसी भी सूरत में ये शराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूर दूर उतने लगा है वहाँ करो, बठिंडी में करो, पुल भगवती नगर है वहाँ एक ऐसी पूरा लाइन बना दिया है वहाँ पर लगाओ, जो लगने वाली जगह वहाँ क्यों नहीं लगाते हो, यहाँ मंदिरों के ऊपर सर खड़ा दे हो, मंदिर पे पूरे अच्छा काम हो रहा है, हिंदू लाग रहा है, इंडिया डोग रहा है, ये हम शांत लोग हैं, हम नहीं चाहते ये काम। ठीक है, क्या क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। अच्छा ये पत्रकार के साथ जो बदतमीजी, ये मीडिया की खबर ले रहा था, एक आया गले मान पकड़ लिया से चल साइड पे होगा, वो बेचारा किसको संभालेगा वो, उसको दो दिन दबा इसको खींच खींच के बाहर निकाला। जानते हो आप उसको? किसको? विकास को? नहीं नहीं, वो जो बंदा नहीं पता ही कहाँ कौन बंदा वो। अच्छा हाँ, उनका दुकानदार का दोस्त था। अच्छा दुकानदार का खास दोस्त, उसको कहता है देखो मेरा वो लाइसेंस मेरे पास, देखो लाइसेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, हाँ चेक करो मेरा। पार्टी लोग आए थे यहाँ, ये इसको डरा रहे थे, ये आया मीडिया लड़का अकेला था, वो सब आकर उसको पकड़ कर घिसने लगे थे। अच्छा, हाँ और जो पार्टी लड़के थे इन्होंने पकड़ा, पूछिए उसको पकड़ कर खींच कर उधर ले गई, मुझे बोला क्या पता मैं बैठा था, मैं सुनता भी कम हूँ और बड़ा बीमार हूँ, 85 उम्र हूँ मेरी उम्र होगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, यहाँ से आया और पार्टी आई उसने खींचा और उसको ले गए जबरदस्त, तू किस गए आ गया, क्यों आया, किसने बुलाया तेरे को, क्यों आया, ऐसा करके उसको बंदे, वो पार्टी आई थी ये शराब वाले, ये हालत है, अगर ऐसे
हम गरीब होंगे तो कैसे निकलेंगे बाहर। गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है और प्रशासन जो है मूक दर्शक बनकर सारा तमाशा जो है वो देख रहा है। अब पता नहीं तो विकास जी, मैं विकास जी, ये जो प्रशासन है ये मूक दर्शक बनके देख रहा है, ये तो नहीं शाम को थोड़ी थोड़ी छटाके लगाते हैं, कहते हैं खुली रहे तो ठीक ही रहेंगे। देखिए अब अनिल जी, दीपक जी, पता नहीं इनका क्या रवैया है क्या, क्योंकि इससे पहले जब मेरे साथ हत्या हुई तो ये पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ पर नहीं थी, अब उसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको पुलिसकर्मी यहाँ दिखेंगे, और यहाँ पहुँचने के बाद अब गाड़ी यहाँ है, ताकि अब एक इनको ज़रूर कहा गया कि आप इस रोड के ऊपर ना आएँ, ये बाउंड्री है इसके आगे ना आएँ, और दूसरा ये भी आश्वासन जरूर दिया गया है इनके द्वारा कि हाँ उस पर्सन को अरेस्ट जरूर किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की चुप्पी के पीछे का कारण ये तो नहीं है कि ये भी शाम को थोड़े थोड़े लगा रहे हैं। अब जो बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ तो मिली वक्त है ही है, नहीं लगाते ये लोग, बिल्कुल लगाते होंगे सर, ये लगाना बंद करें, ये जो थोड़ी थोड़ी आप शाम को लगा रहे हैं ये थोड़ा बंद करें। कि प्रशासन की अगर आप बात करें दीपक जी, हम दोपहर सुबह से लेकर शाम तक रात भर दिखाते रहते हैं यहाँ इस मोहल्ले में ये खामी है, इस गली में ये खामी है, लेकिन इनको कौन सा चश्मा लगाते हैं ये जो इनको, या फिर कौन से हेडफोन इनके पास जो इनको सुनाई नहीं देता, क्योंकि क्या इन सभी ने स्टेट समाचार, स्पीड न्यूज़ या फिर बाकी चैनल इनको नहीं आते, इनको नोटिफिकेशन नहीं आती, या कोई शेयर करता है तो ये नहीं लोग देखते, आखिर क्या कारण है कि ये आम जनता की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते, या पैसा ज़्यादा आ गया है शायद, कुछ इसी तरह की चीज़ें होंगी। योगा करवाने की ज़रूरत है, हमें लगता है ये पूरा करूँ आपसे, मैंने अब कुदरती आ गया लड़का, मैंने देख लिया, इसकी शक है, मैं झूठ बोला इनसे बोला कैसे ले गए पकड़ कर फिर लेके किसी के इधर से लेकर के, जब मैंने देखा किसी से बोला बैठे बैठे कि पता करता हूँ क्या बात हुई, क्या कौन जा रहे, क्या है ये शराब वाले पार्टी है या इसको ले जा रहे हैं, कैसे बुलाया, किसने बुलाया, तो मुका दे, मैं चला गया जाकर, तब जाकर ऐसे इस बेचारे को छोड़ा, नहीं तो हो सकता तो हम लोग नहीं होते थे, इसको हो जाता पटाखा। अच्छा ये मतलब अंकल ने छुड़वाया आपको? बिल्कुल अंकल वहाँ बैठे देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं, अंकल क्योंकि बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को अपने बच्चों की जो चिंता है, अपने बच्चों के साथ साथ अगर कोई और भी है तो उनको चिंता रहती है, और ये देख रहे थे तो इनको शायद जब मुझे कोई पकड़ के लेके जा रहा था, इनको यही लग रहा है धक्का मुक्की हो रही है जी, इन्होंने किसी को भेजा कि हाँ बच्चे को छुड़वाओ, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने सभी ने देखा कि किस तरह वो मेरे साथ बिहेवियर कर रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर हम ज़रूर कहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो सुस्ती एडमिनिस्ट्रेशन की है, और या ज़्यादा पैसा आ गया या शाम को ज़्यादा लग रही है या क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें ना क्लेरिफाई करें, और ये जो मजाक यहाँ पर चल रहा है, जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं खुलेगी, तो फिर आप कौन हैं, आपको जो सैलरी आ रही है वो भी इन्हीं लोगों की वजह से आ रही है, टैक्स दे रहे हैं, सैलरी आ रही हैं, घर परिवार चल रहे हैं, उसके अलावा ऊपर से भी अगर आप कमा रहे हैं तो कुर्सियों पर बैठे हैं क्योंकि बिठवाया गया है, तो थोड़ा ध्यान दें, लोगों की आवाज़ को दबाएं ना, सुने, और अगर सुनेंगे नहीं तो फिर लोग कर ही रहे हैं प्रदर्शन। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।